कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री चंद्रशेखर जैन अध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन समाज, सिवनी, मध्य प्रदेश। श्रीमती रमा जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्री सुमित जैन, सोमी सहकारी बैंक। श्रीमती आराधना जैन, तिशिका जैन, शांतनु जैन, सिवनी, मध्य प्रदेश। सिद्ध भगवान, सिद्ध प्रभु की आराधना तो करते रहे, तो सिद्ध भक्त की हिंदी में जो पद्यानुवाद है उसमें लिखा है, सिद्ध वंदना करके स्वामी सिद्धालय पाऊं, डमो डमो सिरी सिद्धाडम पद पल पल में गाऊं, सिद्धालय में आप विराजे सिद्धि प्रिया स्वामी, सर्व सिद्धियां देने वाले सादर प्रणमामी। दो अक्षर का महामंत्र यह सिद्ध सिद्ध ध्याऊं, डमो डमो सिरी से धाड़म पद पल पल में गाऊं, पुनर्जन्म ना जिनका होगा ना अवतार कभी, उन सिद्धों को नमस्कार हो सत सत बार अभी, नित्य निरंजन निराकार में निज स्वरूप भाऊं, डमो डमो सिरी से दाड़म पद पल पल में गाऊं, सम्यक दर्शन ज्ञान सिद्ध को चारित सिद्धों को, तप सिद्धों को नए सिद्धों को संयम सिद्धों को, जिन भावों से सिद्ध हुए हैं वही भाव पाऊं, डमो डमो सिरी से दाड़म पद पल पल में गाऊं, जल सिद्धों को थल सिद्धों को सागर सिद्धों को, नव सिद्धों को नग सिद्धों को सरवर सिद्धों को, गुफा कंदरा तरवर तल के सिद्धों को ध्याऊं, डमो डमो सिरी से दाड़म पद पल पल में गाऊं, जब जब जो जो जहां जहां से जितने सिद्ध हुए। हमेशा तीनों काल में हम लोग भी, हम सभी मुनि महाराज तीर्थ सिद्ध क्षेत्रों और अक्षय क्षेत्रों आदि की वंदना करते हैं। आप भी ऐसे ही प्रति पल तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम तीन बार ऐसी भावना तो भाना ही चाहिए कि उनके दर्शन भाव से तो करना ही चाहिए। द्रव क्षेत्र से काल भाव से जैसे सिद्ध हुए, उन सिद्धों को सुमर सुमर में सुमरण में पाऊं, डमो डमो सिरी से ताड़म पद पल पल में गाऊं, सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर से औचंपापुर से, अष्टापद गिरनार शिखर से औपावापुर से, सिद्ध भूमियों के सिद्धों को शीश झुका आऊं, डमो डमो सिरी से ताड़म पद पल पल में गाऊं, राग नहीं है द्वेष नहीं है मोह नहीं जिनको, रोग शोक दुख दर्द नहीं है लोभ नहीं जिनको, जन्म जरा वा मरण न जिनको मैं उनको ध्याऊं, डमो डमो सिर से धाड़म पद पल पल में गाऊं, मैं असिद्ध हूं आप सिद्ध हो सिद्ध बनो स्वामी, मैं अशुद्ध हूँ आप शुद्ध हो शुद्ध बनो स्वामी, आत्म शुद्धता देने वाले सिद्धों को ध्याऊं, डमो डमो सिरी से दाड़म पद पल पल में गाऊं, नाथ आपका भूतकाल में तुम भविष्य मेरे, वर्तमान यह वर्धमान हो गुण गाऊं तेरे, परम ज्योति परमात्मा प्रकाशक परम तत्व पाऊं, डमो डमो सिरी से ताड़म पद पल पल में गाऊं, निराकार निर्मल निर्मोही निर्मद निर्लोभी, निष्कलंक निःसल निरायुध निर्वय निष्क्रोधी,
इस कामी निर्ग्रंथ आपके विविध नाम गाऊं, अड़मो अड़मो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं, कर्म बंद के सभी कारणों का अभाव करके मोक्ष महापद पाया तुमने सभी कर्म हर के, जो पुत पद तुमने पाया भगवन वह पद में पाऊं, अड़मो अड़मो सिर से दाड़म पद पल पल में गाऊं। तो इस प्रकार से यह सिद्ध भक्ति का पद्यानुवाद जो आपके सामने पड़ा है, आप भी इसी प्रकार से जब भी हम लोग 10 जो भी भक्तियां पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति से ही शुरुआत होती है, क्योंकि सिद्ध बनने की ही चाह होती है और अंत में समाधि भक्ति आती है। और जब शाम को भी आचार भक्ति करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रारंभ होता है सिद्ध भक्ति का। अब लोग कहेंगे कि डमो का मंत्र में पहले डमो अरिहंताड़म आया, फिर क्या आया? डमो सिद्धाड़म। तो चूंकि सिद्ध परमेष्टि संसार में नहीं रहते हैं और आप संसारी हैं, हम तो स्वार्थी हैं, जिससे हमारा काम होता है तो हम उसको अपना बना लेते हैं, तो इसी प्रकार से हम अरहंत परमेष्टि को शुरुआत में इसलिए लेते हैं कि उनके द्वारा ही हमें सिद्ध भगवान की प्राप्ति होगी, इसलिए यह क्रम रखा है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से भक्तांबर स्रोत में मानुतुंग आचार्य महाराज ने भक्ति की, और भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, विशापहार स्त्रोत में भी भक्ति का उदाहरण मिलता है। तो कल महाराज जी ने बताया था, पूज्य आचार्य शमंत भद्र स्वामी जी का भी उदाहरण दिया था। तो भक्ति के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, और वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष रसायन का स्राव होता है, जिससे हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति भक्ति करते रहते हैं तो वह कम बीमार रहते हैं, लेकिन ऐसा एकांत नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम बहुत बीमार रहते, भक्ति भी करते रहते भगवान की, तो भैया पूर्व जन्म के जो कर्म रहते हैं वह किसी को छोड़ते नहीं है। लेकिन हम हमेशा प्रवचन में बोलते रहते हैं कि हमें तो बस शांति धारा अभिषेक और स्तोत्र पाठ और जाप पर बहुत श्रद्धा और आस्था है, और भक्ति तो है ही उसमें, क्योंकि यही बस मुक्ति के कारण है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, जो हम बता रहे थे कि अमेरिका से टैबलेट आती 1000 की है और लोग खाते हैं तो आराम हो जाता है, उस किसी जगह की सर्दी हो गई सौंठ खा लो तो नहीं खाएंगे लोग। ऐसे ही वो चल रही थी ना कि वैक्सीन आ रही, ये आ रही, सबसे अच्छी वैक्सीन तो हमारी भक्ति है भगवान की। ये सबसे अच्छी, दुनिया में इससे अच्छी वैक्सीन हमने आज तक कोई नहीं देखी है और ना कभी मिलेगी। ये तो सब व्यापार का एक तरीका है, वो तो आप भी जानते हैं। दवाई के बारे में पिछले प्रवचन में बताया था कि विद्या भेषज मंत्र तो ही हवन है, यानी विद्याएं भी काम करती, भेषज भी, औषधि भी काम करती है। तो औषधि लेने को मना नहीं है, लेकिन दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ औषधि है तो भक्ति ही है। वही प्रभु भक्ति ही हमें उस रोग से बचा सकती है, क्योंकि अंदर तो हमारे 3 रोग लगे ही हैं, जन्म जरा मृत्यु और वात पित्त कफ, ये रोग अंदर शरीर के होते हैं। तो आत्मा में जो मल लगे हुए हैं उस मल को अगर अलग करना है तो बस एक ही जो प्रभु भक्ति है। कई लोग ऐसा मानते हैं, हम दिगंबर जैन धर्म के अनुसार बता रहे हैं कि अगर मुक्ति मिलती है तो मुनि पद धारण करके ही मुक्ति मिलती है। अन्य दर्शन कुछ भी मानते हो, लेकिन उनका सबका अपना अपना मत है, लेकिन दिगंबर जैन धर्म के अनुसार इसलिए अपन प्रभु भक्ति करते रहे। पंच परमेष्टि नव देवता और देव सदगुरु की जो भक्ति करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। तो कहा गया है, किसी ने पंक्तियां लिखी हैं कि भावों को निर्मल किए बिना मोक्ष नहीं जा पाते हैं, सिद्धों की बातें करने से नहीं सिद्ध बन जाते हैं, मोक्ष शास्त्र या छह डाला को रटने भर से, आदिनाद को तस्सी मंदिर को भजने भर से, मुनियों को छोड़ सूर्य बन सूर्य मंत्र देने भर से। कई बिना मुनि बने सूर्य मंत्र देने का प्रकरण आता है ना, तो सूर्य मंत्र माने आचार्य परमेष्टि होते हैं, फिर उपाध्याय, फिर मुनि महाराज, उत्कृष्ट मध्यम जगन हमारे हिसाब से जो हमने पढ़ा है। और दिगंबर अवस्था में जो वही दिगंबर प्रतिमा को सूर्य मंत्र दे सकता है, जो स्वयं दिगंबर हो, जो वस्त्र धारण करके सूर्य मंत्र देते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि मुनियों को छोड़ सूर्य बन सूर्य मंत्र देने भर से, शुद्धातम को तज लोकाचार के पूजन भर से, कपड़ों को पहने पहने मोक्ष नहीं जा पाते हैं, सिद्धों की बातें करने से नहीं सिद्ध बन जाते हैं, पापी और अभागी हैं, साधु निंदा करने वाले, साधु भी क्या साधु हैं, पंथों के विवर्ग बताने वाले,
और सिद्धों का पंथ बताए, पंथों को बतलाने वाले। रत्नात्रेय के पंथ बिना मोक्ष नहीं जा पाते हैं, सिद्धों की बातें करने से नहीं सिद्ध बन जाते हैं। तीर्थंकर ज्ञान के धारी, ज्ञात होने हैं मोक्ष मिलेगा, काल लब्धि उन्हें मगर बिना तपस्या कहाँ मिलेगा। चक्री सम वैभव तज जंगल को जाते क्यों, वस्त्राभूषण तज भेष दिगंबर वो धरते क्यों। तपचर्या दिगंबरत्व बिना मोक्ष नहीं जा पाते हैं, सिद्धों की बातें करने से नहीं सिद्ध बन जाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो चतुर्थ गुणस्थान में सदुपयोग की भूमिका मानते हैं। तो आचार्य महाराज से चर्चाएं कई बार हुई इस विषय में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग का तत्व सूत्र का पहला सूत्र ही कहता है कि तीनों की एकता है। रत्नात्रेय जी को बोलते हैं सम्यक दर्शन पहले होता है, फिर ज्ञान और फिर चरित्र। जब तक धारण नहीं करोगे तीन काल में मुनि बने बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो दिगंबर धर्म यही कह रहा है, लिखते हैं दिगंबर और रखते हैं अंबर, कैसे होगा उनका कल्याण। तो ये सिद्धों की बातें बहुत करते हैं कई लोग, लेकिन सिद्धों की बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपना अगर कल्याण करना है तो एक ही माध्यम है प्रभु भक्ति। तो आत्मशुद्धि, आत्म कल्याण एवं सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रभु की स्तुति और भक्ति की जाती है। और एक उदाहरण बहुत अच्छा ध्यान आ रहा है, कुछ समय और लेंगे, क्योंकि जब बहुत सारे लोग हों और अपनी अच्छी बात कहना हो, अच्छा अवसर हो तो जरूर कहना चाहिए। क्योंकि लिखा है कि जब भी धर्म का विध्वंस हो रहा हो और धर्म पर गपला आ रहा हो तो विद्वानों को जरूर बोलना चाहिए। तो बात चल रही थी कि एक संकट मोचन विनती है जो पंडित वृंदावन दास ने लिखी हुई है। तो भाई अपने ससुर के यहाँ गए और टक्साल चलता था उनके, यानी सिक्के बनाने का कारखाना। तो एक विदेश, जब विदेशी लोग यहाँ पर थे तो अंग्रेजों का शासन था, तो एक विदेश, जो विदेशी व्यक्ति था अंग्रेज, वो आया कि हमें आपका टक्साल देखना है। तो वह जो कि वृंदावन दास जी थे, उन्होंने मना कर दिया। अब वह चूंकि अंग्रेज था, वह उस समय नाराज हो गया। कुछ दिन बाद वह कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद जहां पर वह वृंदावन दास जी रहते थे वहीं पर आ गया वो कलेक्टर बनके। और कलेक्टर बनके आया तो क्या हुआ, उसको वह पहचान गया कि यही व्यक्ति है जिसने मुझे टकसाल देखने से मना कर दिया था। और उस कलेक्टर ने उन वृंदावन दास जी को जेल में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया। और वह जेल में रहते थे और स्तुति की रचना कर रहे थे और गाते थे। तो वह जो अंग्रेज देखने आता था, तुम क्या गाता है, वो अपनी भाषा में बोलता है, हिंदी तो उनको उतनी नहीं आती थी, लेकिन वो अपनी भाषा में तुम क्या गाता है, तुम क्या गाता है। और तुमने कहा कि मैं भगवान की स्तुति करता हूँ, और वह लिख भी रहे थे उस समय। और जब उन्होंने स्तुति उस अंग्रेज ने सुनी, जो विदेशी था वह अंग्रेज, और जब उसने सुनी वह स्तुति, तो उनको कुछ दिन बाद उस जेल से मुक्त कर दिया। तो ये होता है, देखो वह विदेशी व्यक्ति जो कि पहले क्रोधित हो गया और जब उनकी स्तुति जब सुनी, जो कि आप पढ़ते ना संकट मोचन विनती पढ़ते ना, जिनवाणी आदि में लिखी है, वो वाली नहीं है, ये अलग है। तो ये संकट मोचन विनती जो आप पढ़ते ना, वो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। तो ये होता है भक्ति का प्रभाव। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज अंतिम बात कहकर बस, क्योंकि अर्घ बहुत सारे चढ़ना है और महाराज जी के प्रवचन होना है, तो आपको एक संदेश हो जाएगी, अभी तो हो जाएगी, तो एक बस नहीं संदेश, हाँ सुनो सुनो एक मिनट, तो संदेश देना चाहेंगे। ये पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, तो सभी के लिए पहले पूर्व में एक संदेश दिया था। तो एक अभी दीपावली आने वाली है, हमने कहा था कि जो पटाखे हैं चलाने से बहुत हिंसा होती है, तो कई जैन बच्चे तो चलाते हैं, बड़े लोग भी चलाते हैं, तो अपने बच्चों को मिठाई दिलाएं, वस्त्र दिलाएं और अन्य चीजों को मना नहीं है, लेकिन ये पटाखे हिंसात्मक होते हैं। कितने सारे जीवों की हिंसा होती है, कितने सारे त्रेंचों को कष्ट होता है, और प्रति वर्ष कितने सारे लोग
मरण को प्राप्त हो जाते, दुर्घटनाएं होती हैं पटाखों के कारण। दीपावली आने वाली है और प्रति वर्ष सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन अपने बच्चों को, चूंकि बच्चे रोने लगते हैं, तो बच्चों को अच्छे से पहले से समझा दें, उनकी मानसिकता अच्छी बना दें। जो भी मुनि महाराज हैं, आरिका हैं, ब्रह्मचारी भाई है, ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, जो भी अच्छे पाठशाला आदि में जो संचालक हैं, संचालिका हैं, उनके माध्यम से उन बच्चों को अच्छे से समझा दें, पोस्टर दिखाएं कि आप कैसे हिंसा से बचें और अहिंसा का प्रचार करें। हमने एक दिन बताया था, दान चिंतामणि पुस्तक में लिखा है कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। देखो लिखा है इसमें कि आप पटाखे फोड़कर आप अहिंसावाद दया धर्म का पालन कर पाएंगे। तो महावीर भगवान को तो हम मानते हैं। आचार्य ऋषि ने एक बार व्यवहार करते हुए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। और आचार्य ऋषि के साथ हम भी व्यवहार कर रहे थे तो युवा चल रहे थे, आचार्य ऋषि बोलते हैं जब आंधी तूफान आता सब भग जाते। तो ऐसी स्थिति है कि हम नारे तो बहुत लगाते हैं, हमारे यहाँ प्रचार प्रसार भी बहुत होता है, लेकिन करते वही है जो हमें करना होता है। इसलिए आज हमने सिद्ध भक्ति की कि हम कैसे इस विधान के माध्यम से सिद्ध भगवान की आराधना करें, अर्चना करें। और यह संदेश आप सबको पहुंचाना, आप संकल्प भी लेना, सिर्फ सुननी लेना है। लोग क्या करते हैं, सुनते तो हैं बहुत अच्छा अच्छा सुनते, इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन आप सुनना नहीं, इसको गुनना भी और हम तक अपनी बात भी पहुंचाना। और हमारे ब्रह्मचारी भैया जी तो बहुत मीठा बोलते हैं, तो वो भी हमारी बात को अच्छे से संकल्प दिलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण तीर्थ सागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री चंद्रशेखर जैन अध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन समाज, सिवनी, मध्य प्रदेश। श्रीमती रमा जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्री सुमित जैन, सोमी सहकारी बैंक। श्रीमती आराधना जैन, तिशिका जैन, शांतनु जैन, सिवनी, मध्य प्रदेश।